जींद शहर की आनंद पर्वत कॉलोनी में पुलिस ने सीबीआई के फर्जी डीएसपी को पकड़ा है। आरोपित के पास से पुलिस ने सीबीआई डीएसपी सहित दो आई कार्ड बरामद हुए हैं। वह किसी युवक को नौकरी लगवाने का झांसा देकर रुपए ऐंठने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। आनंद पर्वत कॉलोनी निवासी रामपाल ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 5 दिन पहले उसके किसी जानकार के माध्यम से वह गांव बधाना निवासी गुरु ध्यान से मिला। आरोपित ने बताया कि वह सीबीआई में डीएसपी है और वह हिसार में कार्यरत है। वह सीबीआई की खुफिया साइबर अपराधों का विशेष जांच अधिकारी है। आरोपित ने कहा कि सीबीआई में होने के कारण उसकी बड़े बड़े अधिकारियों व राजनेताओं से जान पहचान है। अगर किसी को नौकरी लगवाना हो तो बता देना। आरोपित की बातों पर विश्वास हो गया और मेरे दामाद उचाना निवासी सोमदत्त को नौकरी लगवाने के लिए कहा, जहां पर आरोपित भुना के सरकारी अस्पताल में नौकरी लगवाने का झांसा दिया जहां पर आरोपी ने सरकारी अस्पताल में नौकरी लगवाने का झांसा दिया वह कागजात व फाइल चार्ज के नाम पर 2500 रुपए भी ले लिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए नौकरी लगने के बाद देने होंगे। इसके बाद आरोपी पर शक हुआ और इसी दौरान पता चला कि आरोपी गुरुध्यान नहीं जबकि 4-5 अन्य व्यक्तियों से भी सीबीआई का अधिकारी बनकर नौकरी लगवाने के लिए कागजात लिए हैं। वीरवार को भी गुरुध्यान मेरे दामाद के दोबारा फार्म भरवाने के लिए रुपए लेने के लिए आया था जहां पर पुलिस को सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी गुरुध्यान को हिरासत में ले लिया। जब उसकी तलाशी ले गई तो उसके पास से 2 आई कार्ड बरामद हुए। इसमें 1 आई कार्ड सीबीआई डीएसपी व दूसरा राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटाबेस जांच अनुसंधान और विकास का आई कार्ड बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गुरुध्यान कुछ नहीं करता, उसने फर्जी तरीके से दोनों आई कार्ड बना रखे हैं। इसी के सहारे वह लोगों से ठगी करने का काम करता है। आरोपित का पिता अजमेर सिंह गाड़ी चालक का काम करता है। माननीय पुलिस कुशल नेतृत्व में अपराध को रोकने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए दीन पुलिस सक्रिय है। कल शाम हमारे राइडर 11 को सूचना मिली कि आनंद पर्वत कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति अपने आप को सीबीआई का डीएसपी बताता है और वह लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे तगड़ा काम कर रहे हैं। जो इस सूचना पर एसआई राजवीर सिंह अपनी टीम के साथ आनंद पर्वत कॉलोनी पहुंचा जहां पर रामपाल पुत्र शोकरण ने एक दरखास्त और इस फर्जी लड़के को फर्जी डीएसपी बताते हुए पेश किया जिससे पूछताछ की गई, जिसकी जेब से 2 आई कार्ड बरामद हुए हैं और जिसके पूछताछ पर अपना नाम गुरध्यान सिंह पुत्र जसमेर सिंह वासी बधाना बताया। इससे गहनता से पूछताछ की गई तो पाया गया कि ये कोई डीएसपी नहीं है, ये फर्जी ड्रामा लोगों को ठगने के लिए कर रहा है। इसको आज माननीय अदालत में पेश करके 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि ये आई कार्ड कहाँ से ले गया था और जो शिकायतकर्ता के दामाद के डॉक्यूमेंट फतियाबाद हॉस्पिटल में डीसी रेट पर नौकरी लगवाने के लिए लिए थे उनकी रिकवरी की जाएगी। इस संबंध में हमारा कितने पैसे डिमांड की थी सर इसने वहाँ डीसी रेट पर नौकरी लगवाने की? 1 लाख रुपये की डिमांड की गई थी और 2500 रुपये फाइल चार्ज के नाम से थी। तो जो शिकायतकर्ता उसने कुछ पैसे भी दे दिए थे पहले? अभी वो 2500 रुपये फाइल चार्ज के दिए थे, बाकी 1 लाख रुपये नौकरी लगने के बाद देने हमारी बात हुई थी। इसके अलावा सार्वजनिक और कितने लोगों ने क्या क्या पैसा दिया है बारे में पूछताछ की। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।